यहाँ पे अभी तुलजा भवानी की आरती की कि हर देव ये समान है, हर भगवान में दिखता है, तो हमें तुलजा भवानी में भी श्री राम दिखता है। और हमारे हर आरती का जो लफ्ज होता है वो श्री राम के नाम से ही होता है। तो इस तरह से हम आज जो अयोध्या में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपना भी सहभाग हो, इसलिए हमने यहाँ आरती की। पिछले दो दिन से हमने कम से कम लाख भर झेंडे बांटे, लाख भर लड्डू बांटे, विविध मंदिरों में लड्डू दिए कि भाई तुम अपने भक्तों को दो। झंडे भी हमने कई जगह पे रखे कि तुम बांटो। हमने किसी भी तरह से उसको हमारे पार्टी का लेबल नहीं लगवाया, हमने लड्डू पे हमारा नाम हमारे पार्टी का नाम नहीं लिखवाया। ये भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की पूजा निस्वार्थ तरीके से होने चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए, उसमें कोई धर्म कोई जात कोई पात नहीं दिखनी चाहिए। ये हमारी हमेशा के लिए भावना रही और यही भावना हमारी रही। जी, आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निमंत्रण जिस तरीके से दिया गया था लेकिन अब तक तो पहुंचे नहीं है, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं पहुंचे, अजीत पवार भी नहीं पहुंचे हुए, क्या लगता है कहीं ना कहीं उनको मुझे नहीं मालूम वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मेरा भगवान मुझे काम में दिखता है, मेरा भगवान मुझे हर इंसान में दिखता है, मेरा भगवान मेरी माँ की पूजा जब मैं करता हूँ अंदर दुर्गा भवानी की उसमें दिखता है, मेरा राम मुझे हर जगह पे दिखता है। अवार जी, आपने जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद आपके घर पे आंदोलन भी हो लगा था, आज आप पूजा कर रहे हैं उस विषय का, इस विषय से कोई संदर्भ नहीं है आपको भी देखकर। मेरे को क्या इन्विटेशन की गरज है, राम थोड़ी ना किसी के बाप का है, हम मर्जी चाहे तब 400-500 लोगों के लेकर जाएंगे, हमको नियोता नहीं चाहिए। हमारे बाप ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है और हमेशा के लिए खोल दिया है, कोई किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता है।